नमस्कार, द्विवेदी जी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरे वाले मोटे मिर्चे का लाजवाब डिश बनाएंगे। बिल्कुल नया है और बिल्कुल यूनिक डिश है, आपको बहुत पसंद आएगा, एक बार ट्राई ज़रूर आप करें। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आइए चलिए, अब यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं हरा वाला मिर्चा जो है इसे हमने धुल कर और पोंछ लिया है और इसके बाद बीच बीच से हम कट कर दे रहे हैं। जब भी हम मार्केट से लें तो थोड़ा सा ये ध्यान दे के खरीदें कि ताज़ा मिर्चा हो और सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, तो इसका डिश बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। बीच बीच से हमने सारे मिर्चे में कट लगा दिया है, सीधा सीधा कट लगाना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे हमने लिया है 100 ग्राम दही है और दही को हमने ऊपर से इस तरह से उड़ेल दिया है और दही से अब हम मिर्ची के बीच बीच में लेप लगाएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं, थोड़ा सा उठाएं दही और बीच में लेप लगाएं। ये दही बिल्कुल खट्टी वाली है, ताजी दही नहीं होना चाहिए। अगर ताजी दही रही तो आपका डिश अच्छा नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान दें, जब भी आप दही को यूज करें तो खट्टी वाली ही दही यूज करें। अगर आपके पास दही ताजी है तो उसमें 2 नींबू का रस निचोड़ दें और उसके बाद आपका दही जो है थोड़ा सा चटपटा खट्टा हो जाएगा। चलिए, अब सारे मिर्ची में हम अच्छी तरह से लेप लगा दिया है और ये दही जो बचा हुआ है इसको हम एक साइड कर देते हैं और मिर्चे को हम इसमें से निकाल लिया है। अब यहाँ पे कढ़ाई हमने रखा है और इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच धनिया है, खड़ा धनिया, 1 चम्मच जीरा है, बड़े चम्मच से हमने यूज किया है, 2 इलायची है, थोड़ा सा दालचीनी है, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इसके बाद यहाँ पे हमने बड़े चम्मच से 1 चम्मच सरसों लिया है, पीली वाली, अगर आपके पास ना हो तो आप काली वाली भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा लौंजी है जिसे मंगरेल कहा जाता है, थोड़ी सी मेथी दाना है 1/4 चम्मच। सारे चीज़ों को हम डालकर थोड़ा सा चटकने का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद हम 3 मिर्चा डालते हैं, क्योंकि हरा वाला मिर्चा बिल्कुल तीखा नहीं है तो यहाँ पे हमने लाल मिर्चा का यूज किया है, थोड़ा सा चटपटा हो जाएगा मसाला हमारा। और ऊपर से हम डालते हैं 1 चम्मच अजवाइन है, अजवाइन काफ़ी फायदेमंद होती है पेट के लिए भी और इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। तो चलिए, सारा चीज़ अब ठंडा हो गया है, हम इसे दरदरा एक पाउडर बना लेते हैं। पाउडर हमारा बन के तैयार हो गया है, थोड़ा सा दरदरा है, ज़्यादा हम बारीक नहीं पीसे हैं, इस तरह आप देख सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसमें और भी हम थोड़ा सा मसाला मिक्स करेंगे। तो मसाले में आप देख सकते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्चा पाउडर है, काश्मीरी लाल मिर्चा है जिसका कलर बहुत सुंदर आता है, अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं है, और जो बची हुई दही है इसे भी हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा सरसों का तेल है, कच्चा वाला सरसों का तेल है, तो थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें तेल और हम डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह से सारा मसाला जो है लिपट जाए। स्वाद अनुसार नमक है,
तो सारा चीज हमारा जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब चलिए हम मिर्चे के बीच बीच में हम इन्हें भर देते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं मिर्ची को फैला लें और इसमें अच्छी तरह से आप बीच बीच में मसाला को भर दें। बहुत चटपटा और बहुत स्वादिष्ट होता है। आप चाहें तो इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें एक बार और बनाकर 10 से 15 दिन के लिए एक कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं और डेली के खाने में यूज कर सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं सारा मिर्चा हमने भर के तैयार कर लिया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 2 चम्मच सरसों तेल डाला है, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्चा पाउडर काश्मीरी है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर है, 1 चुटकी हींग है। हींग खुशबू बहुत अच्छी देती है और पेट के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है। अब इनको हम बिल्कुल धीमी आंच पर भून लेते हैं तो मसाला हमारा जल ना जाए, इसके लिए थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालते हुए जब हम भूनेंगे तो मसाला हमारा अच्छी तरह से अपने आप में भुना जाएगा। तब तक हमें भूनना है जब तक कि तेल से मसाला अलग ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं तेल से मसाला अलग हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम और बेसन डाल देंगे। बड़े चम्मच से 1 चम्मच बेसन है जो कि भुना हुआ बेसन है। और ये जो बचा हुआ मसाला है इसे भी हम डाल देते हैं और चटपटा और स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी और डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। ये ध्यान दें कि मिर्ची में भी नमक पड़ा हुआ है तो ग्रेवी में थोड़ा सा कम ही आप नमक का यूज करें। अब इसे उलट पलट कर हम इस तरह से मिर्ची को पका दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक बार उलट दें, उसके बाद जो है आपका मिर्चा बस 2 मिनट में पक के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी वाली मसाला मिर्चा हमारा बन के तैयार हो गया है। और अगर चाहें आप तो थोड़ा सा पानी और डाल के ग्रेवी इसका बना सकते हैं। हमने यहाँ पे सूखा बनाया है चावल दाल पे और परेठा के साथ, पूरी के साथ, जैसे भी आप चाहें इसे डेली की रूटीन में यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हम इनका प्लेटिंग कर देते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना लाजवाब मिर्चा डिश बन के तैयार हुआ है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट जरूर करें कि मिर्चा हमारा कैसा।